पापा उधर क्या कर रहे हैं? उधर किसको मार रहे हैं? कर कर अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है हाँ पापा, एक चीज़ बड़ी अच्छा हुआ है, जब से ढलाई हुआ है मोटर चालू नहीं करना पड़ रहा है घर को पटाने के लिए, छत को। Hey guys, good morning, welcome to my new blog. नाराज का सीना बहुत ही अमेजिंग सा और रखा है फिलहाल, अभी जस्ट हो रहा है सुबह के, आप गेस करो टाइम 9:30 बज रहा है यार। हाँ आज 10:30 नहीं बज रहा है, एक घंटा पहले ही मैं नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ। एंड नहाने धोने के बाद ना भाई मैंने मस्त गर्मा गर्म चाय वाय भी बना लिया। एंड आज ना मैंने चाय बनाने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, मतलब रोज़ रोज़ का एक ही रूल हो चुका था यार, मतलब रोज़ रोज़ मैं ब्लॉग स्टार्ट करता था उसके बाद चाय बनाता था, बट आज चाय वाय बनाने के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड हाँ आज का सीन क्या अमेजिंग सा रखा है, मतलब अभी बारिश के मौसम में ऐसा सीन होता है ना कि बारिश आ रहा है तब भी अमेजिंग सा सीन है, एंड बारिश रुक के धूप आ रहा है ना तब भी अमेजिंग सा सीन होता है। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल अभी बाहर धूप नहीं है, ठीक है, अभी बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, इसलिए मैंने कहा बहुत ही अमेजिंग सा सीन हो रखा है। एंड हाँ फिलहाल ना अभी मस्त गर्मा गर्म चाय इन्जॉय करते हैं, नहीं तो चाय ठंडा हो जाएगा भाई। चाय वाय पीने के बाद ना मैं अभी जस्ट छत पे जा रहा हूँ, बिकॉज भाई साहब मुझे ना अपने कपड़े उठाने हैं। एंड भाई अभी पता है क्या, आप ना मौसम का सीन चेक करो, एंड हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया है, एंड मुझे ना आज रिक्स नहीं लेना है। पता है कल क्या हुआ, मतलब मैंने अपना मोबाइल ना टाइम लिमिट पे लगा दिया था, एंड भाई कुछ देर के बाद ना क्या घमासान वाला बारिश स्टार्ट हो गया, एंड मेरा मोबाइल थोड़ा थोड़ा भीग गया। एंड भाई सब वो तो मेरा किस्मत अच्छा था कि मोबाइल को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तो कल तो मोबाइल भीगने की वजह से ख़राब ही हो जाता। एंड आज मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इस वजह से ना अभी हल्का हल्का बारिश आ रहा है, इस वजह से फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, नहीं तो भाई साहब आप जानते हो भाई इस बारिश में कपड़े भीगे भीगे मोबाइल अगर भीग गया ना गया काम से। फिर इधर हैं सारे कपड़े, फटाफट से इन्हें उठा लेते हैं, हल्के हल्के सूख गए बट और ज़्यादा भीग गए तो फिर मम्मी का नाट कौन सुनेगा यार। एंड अपना सीन चेक करो एक बार, क्यों अमेजिंग सा सीन हो रखा है यार। एंड बादलों का सीन तो एकदम मस्त वाला, काले काले से बादल हो रखे हैं। पापा इधर डंडा लेके क्या कर रहे हैं? पापा पापा उधर क्या कर रहे हैं? उधर किसको मार रहे हैं? कर कर अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है हाँ पापा, एक चीज़ बड़ी अच्छा हुआ है, जब से ढलाई हुआ है मोटर चालू नहीं करना पड़ रहा है घर को पटाने के लिए, छत को। बारिश आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है एकदम, एंड आई थिंक कि बारिश आ गया भाई, बारिश आ गया, भीगने से बढ़िया है, मतलब मैं भीग जाऊँ कपड़े भीग जाए चलेगा भाई, मोबाइल नहीं भीगना चाहिए, मोबाइल भीगा तो फिर गए काम से, ब्लॉग कैसे शूट करेंगे। गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, पूरी आलू का भुजिया आम का अचार। सो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करते हैं भाई, बारिश वाले अमेजिंग से मौसम में ना मस्त गर्मा गर्म चाय बन जाए ना तो भाई क्या ही कहना है। बाकी छोटी 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 हाँ चल ले चल चाय ले चाय, ओ चाय चाय गर्मा गर्म चाय ले लो। फिलहाल चाय वाय पीने के बाद ना मैं कुछ देर दुकान पे बैठ गया था, दुकान संभाल रहा था, बहुत ही ज़्यादा दुकान में रस हो चुका था ना तो इस वजह से कुछ देर दुकान पे बैठना पड़ गया। एंड हाँ भाई साहब पता ही क्या, दुकान में ना मस्त गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे भाई, मुझे ना अपने आप को रोका नहीं गया, मतलब अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आई थिंक ना 2-2.5 घंटे से मैं दुकान पे था, अभी ना जस्ट हो चुके हैं 4:00 आप टाइम चेक कर लो, हाँ मतलब 10-15 मिनट के बाद 4 बज जाएंगे। बाकी भाई गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे ना भाई साहब, मैंने ना मस्त गर्मा गर्म समोसे अपने लिए भी निकलवा लिए, क्या टेस्टी से समोसे दिख रहे हैं भाई। सो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म समोसे वो भी टमाटो सॉस एंड टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय करते हैं भाई। जॉस्ट हो चुके हैं 7:00 आप टाइम चेक कर लो। बाकी पता है क्या भाई साहब, समोसे वमोसे खाने के बाद ना
मैं बहुत ही मेहनत वाला काम में, मैं क्या मतलब हम सब बहुत ही मेहनत वाले काम में लग गए थे, बहुत पसीना बहा है यार। मतलब पता है क्या, समोसे खाने के बाद ना मैंने अपना मोबाइल लगाया चार्ज पे, एंड पता है गाय को जो खाने वाला भूसा होता है ना, ठीक है, वो भूसा ख़त्म हो गया था, तो वो भूसा स्टॉप करने के चक्कर में ना भाई हालत टाइट हो गया। मतलब पहले तो गए वो भूसा लेकर के आए, मतलब आई थिंक ना 10 क्विंटल्स ऑफ भूसा हम लेके आए, 10 क्विंटल, ठीक है, तो लेके आए, उसके बाद उसको रूम में सेट किए, सेट करने के बाद भाई सेट करते करते ही हालत टाइट हो गया था, ठीक है, पसीने में पूरा नहा रहे थे हम, एंड उसके बाद मस्त अपना नहाना धोना, मतलब पसीने से नहाने के बाद अपना पानी से नहाना धोना हो चुका है, एंड भाई इतना सारा मेहनत वाला काम करके ना अब थोड़ा थोड़ा अंदर से मतलब थकान टाइप का लगने लगा है। तो चलते हैं यार मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बनाते हैं, वो भी अदरक इलायची डाल के, एंड थोड़ा इस थकान को ना हल्का हल्का दूर करते हैं, बिकॉज इतना मेहनत किया ना भाई, ये हाथ पूरा दर्द कर रहा है यार। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कौन सा कहाँ पे हम लोगों ने भूसा स्टॉक किया, एंड कितना बड़ा बड़ा बोरी में हम भूसा लेके आए। जस्ट लुक एट दिस भाई, इस वाले रूम में ना हमने भूसा को स्टॉक कर दिया है, आप चेक करो इतना सारा भूसा हम नीचे में रखे हुए हैं, एंड बाकी बोरी में ही छोड़ के मतलब छोड़ ही दिया यार। भाई हालत टाइट हो गया, इतना भूसा खाली करने में हालत टाइट हो गया, इतना और खाली करते तब तो भाई रात के 9 to 9:10 तो आराम से बन जाते हैं, सो 9 तो बज ही जाते, 10 नहीं बजते, 9 तो बज ही जाते। बाकी इतना सारा मेहनत करने के बाद ना अभी चलते हैं चाय वाय बनाते हैं। ऑलमोस्ट अपना गर्मा गर्म अदरक इलायची वाला चाय बन के रेडी है, एंड थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ना पता नहीं क्यों हल्का हल्का सर दर्द एंड हल्का हल्का फीवर टाइप का लग रहा है। बाकी अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर भाई साहब दवा भी लेना पड़ेगा। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म डिनर आ चुका है, लिट्टी चोखा एंड हरी वाली चटनी, तो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म लिट्टी चोखा एंजॉय करते हैं भाई। मस्त अपना डिनर विनर सब हो चुका है, एंड हाँ चाय पीने के बाद ना डायरेक्टली मैंने डिनर ही कर लिया था, एंड भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने, बिकॉज भाई अभी ना मुझे दवा लेना है, उसके बाद पेन की मतलब दवा वही पेन किलर दवा सब वही हो गया भाई, सर दर्द एंड हल्का हल्का ना फीवर टाइप का भी लग रहा है, एंड आज पूरे दिन बारिश होता ही रह गया ना, तो हल्का सा बारिश में भी भीग गए थे, इसी वजह से शायद मतलब भाई हल्का सा बारिश में भीगने से एंड थोड़ा सा मेहनत करने से क्या सर दर्द होने लगता है, कभी कभार मेहनत करने वाले को ऐसा ही होता है। मैं रेगुलर इतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ ना, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा काम कर लेता हूँ ना, तब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है, बट हाँ कोई नहीं। फिलहाल आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाकी जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। इतना सारा भूसा हम नीचे में रखे हुए हैं, एंड बाकी बोरी में ही छोड़ के मतलब छोड़ ही दिया यार। भाई हालत टाइट हो गया, इतना भूसा खाली करने में हालत टाइट हो गया, इतना और खाली करते तब तो भाई रात के 9 to 9:10 तो आराम से बज जाते, सो 9 तो बज ही जाते, 10 नहीं बजते, 9 तो बज ही जाते। बाकी इतना सारा